छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आज हम लोगों के बीच अपना नारा भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार लेकर जा रहे हैं। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसानों, आदिवासियों और गरीबों से जो वादा किया था, कांग्रेस सरकार ने उसे पूरा करके दिखाया है। कांग्रेस और भाजपा में ये फर्क है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, लेकिन पीएम मोदी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। मोदी सरकार केवल पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लुभावनी बातें करती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, गरीब है, शहरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, हर एक नागरिक को हमने अपने विकास का हिस्सा बनाया है। हर एक को लगा है कि राज्य सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ करके दिया है, करके दिखाया है। साथियों, चाहे धान की खरीद की बात करें, 1 नवंबर से जो धान की खरीद होगी वो पहले से ज्यादा 15 क्विंटल से ज्यादा 20 क्विंटल प्रति एकड़ सरकार करेगी। ये वो बात है जो हमने करके दिखाई है। हमारी आंगनवाड़ी बहनों का भत्ता बढ़ाकर 10,000 किया गया है, कर्मचारियों के लिए काम हुआ है, हमारे आदिवासी क्षेत्र में वन उपज के लिए। साथियों, आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स भी दे दी हैं, अलग अलग राज्यों की तारीखें सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी। जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसमें बस्तर, कांकेर ये सब आता है, वो पहले चरण में 7 तारीख को, 7 नवंबर को वहाँ पर मतदान होगा, और उसके बाद 17 तारीख को बाकी के हिस्से में, जो मोटे तौर पर बीच का और उत्तर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतदान होने जा रहा है। आरक्षण की हम बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण के पिछड़े वर्ग के लुभावने नारे देती है, बातें करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, कुछ करने की बात हो, तो आप पीछे हट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया, और ये सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी थी उसको पारित करने में। और खुद माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप पारित करिए और उसको हम कानून बनाने में देर नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। और आपने देखा क्या हुआ, उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, माननीय राज्यपाल को ही वहां से बदल दिया गया, और आज भी वो लंबित है विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें अनुसूचित, ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है।